सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑल वीडियोस। तो आज का ये वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, एंड ज़रूर आपको इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा और कुछ नया मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। सो आप वीडियो को देखिए एकदम एंड तक। तो आज हम बात करेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन के बारे में। तो मैं आपको इसका डीप ट्यूटोरियल दूंगा और रिव्यू करके बताऊंगा कि यह ऐप कैसा है। तो चालू करने से पहले ही मैं आपको बता दूँ, ये A100% बेस्ट एप्लीकेशन है। वहीं ओपन करके देखते हैं इस एप्लीकेशन को। तो आप ओपन करोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा एक ब्लैंक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो आपको सबसे पहले प्लस आइकन पे क्लिक करना है। कोई भी एक आप इमेज जो है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जो मेन इमेज रहेगा आपको तो उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मैं ऑनरेबल PM नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ फ़ोटो। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे फ़िल्टर ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको स्ट्रक्चर पूछ जैसा भी आपको पसंद है कोई भी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं मान लीजिए अगर मैं ये वाला करता हूँ कुछ इस तरीके का, थोड़ा ब्लैक एंड वाइट जैसा, तो मैं इसको बाद में टिक कर लेना है आपको यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप स्टाइल्स देख सकते हो, टूल्स दे सकते हो और एक्सपोर्ट देख सकते हो यहाँ पर। सो अभी तो आपको एक्सपोर्ट नहीं करना है, पहले पूरी तरीके से इसको एडिट कर लेना है। तो आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सो टूल्स पे आने के बाद सबसे पहले अगर आपको जो है फ़ोटो एम्बेड करना हो, इसमें फ़ोटो एम्बेड करना है यानी आपका फ़ोटो मिक्स करना हो या किसी पोस्टर टाइप बनाना हो या कुछ भी, तो आप डबल एक्सपोजर पे जाएंगे यहाँ पर। डबल एक्सपोजर पे जाने के बाद आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है इमेज पर। और मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे इमेज नहीं दिखता, आपको जो भी इमेज सिलेक्ट करना हो, तो आप जो है आपके यहाँ पर गैलरी में जा सकते हो और इमेज को जो है सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो भी एल्बम्स रहेगा आपका तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए अगर मैं ये वाला इमेज सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए इस तरीके का आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जहाँ पर ये जो है अपने आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आना है एंड आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर डार्कन कर सकते हो आप, तो देखो कैसा अच्छा इफेक्ट आ रहा है। तो बीच में भी आप लेकर आ सकते हो, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। देखिए ऐसा आपको इफेक्ट कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर, या एज इट इज़ आप बड़ा भी कर सकते हो। तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं आपको टर्न बाय टर्न सारे करके बता देता हूँ। सो देखते रहिए आप, क्योंकि इसमें जो है अलग अलग इफेक्ट्स आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके का कुछ जो है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये देखने के बाद आप जो है यहाँ पे टिक भी कर सकते हो। टिक करने के बाद आपको टूल्स पे जाना है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो ट्यूनिंग इमेज में मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो खाली ये स्क्रॉल करना है, तो आप देख रहे हो ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रहा है। सो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से ब्राइटनेस कितना कम करना है, ज़्यादा करना है। यहाँ पर जो है ऑटो एडजस्ट का भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा। जैसे आपको कॉन्ट्रास्ट करना है तो कॉन्ट्रास्ट पर आप क्लिक कर सकते हो इस तरीके से। सो ये कॉन्ट्रास्ट का आपको दिखेगा। देन सेचुरेशन पे क्लिक कीजिए, सेचुरेशन पे भी आपको कुछ अच्छा सा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। एम्बियंस वगैरह आपको कैसा सिलेक्ट करना है, तो देखिए ये एम्बियंस का भी थोड़ा अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। हाइलाइट्स आप देख सकते हो कैसा आपको करना है, तो थोड़ा कम भी रखोगे तब भी अच्छा लगेगा, ज़्यादा करोगे तब भी अच्छा लगेगा, आप पर डिपेंड करता है कैसा आपको चाहिए, ज़्यादा ब्राइट चाहिए या नहीं। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स है, शेडो वगैरह दिखाना है तो शेडो दिखा सकते हो। सो शेडो पे मान लीजिए क्लिक किया हमने, एंड मैं आपको यहाँ पे देखिए इस तरीके से बता रहा हूँ। सो ये देखिए ज़्यादा डार्क चाहिए या किस तरीके का चाहिए, तो ये भी एक अच्छा लग रहा है, तो ऐसा आप टिक कर सकते हो। फिर इसको आप ऑटो एडजस्ट कर सकते हो, ऑटो एडजस्ट अगर आपको करना हो तो देखिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डिटेल्स का ऑप्शन यहाँ पे। सो डिटेल्स में भी आप स्ट्रक्चर जो है कम ज़्यादा कर सकते हो। स्मूथ हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा ही शार्प हो गया इमेज, तो जैसा आपको पसंद है आप वैसा रख सकते हो। सो अगला है कर्व्स। कर्व्स सेक्शन में आपको किसी कलर को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना हो तो आप उस हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो, वेरी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा कलर आपको स्पेसिफिक चाहिए, तो उसको आप सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे, तो वहाँ से जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। तो कौन से पॉइंट पर लेकर जाना है आपको करना है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। सो आपको कलर यहाँ पे ये जो है सिलेक्ट करना होगा। सो देखिए ऐसा ऑरेंज टाइप हो गया, ऐसा कुछ आपको चाहिए तो ऑरेंज टाइप आप बना सकते हो। एंड बहुत सारे यहाँ पे कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे। RGB को साथ में करना है तो आप RGB को कर सकते हो। देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा, ब्राइटनेस भी बढ़ रहा है, तो जैसा आपको चाहिए आप कर सकते हो यहाँ पे।
उसके बाद आपको है कर्व्स का ऑप्शन दिखने को, सॉरी कर्व्स तो हमने देख लिया राइट, ओके सो हम देखते हैं अभी वाइट बैलेंस का, वाइट बैलेंस कैसे करेंगे हम लोग। सो यहाँ पे ऑटो एडजस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, टेम्परेचर आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट चेंज हो जाएगा। डिटेलिंग करना है तो आप इसको डिटेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, देखिए इस तरीके से आप जो है डिटेलिंग यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद आपको जैसा भी पसंद आए वैसा आपको टिक कर देना है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे आगे आ जाते हैं हम लोग, क्रॉप नहीं करना है, रोटेट नहीं करना है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ से पर्सपेक्टिव का पॉइंट आपको बता देता हूँ, सो ये थोड़ा बहुत ही अच्छा है अगर आपको बहुत सारे हीरोज़ को, बहुत सारे लीडर्स को या बहुत सारे इमेज को एक के अंदर एक डालना है तो ये टिल्ट ऑप्शन आपको काम आएगा, यानी एडजस्ट करने के लिए। तो मान लीजिए मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो इसके पीछे आप और इमेज ऐड कर सकते हो, कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा, तो आप वीडियो देखते रहिए एंड तक बिल्कुल। सो एक तो आपको ये ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर आप जो है इमेज को राइट एकदम एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट में एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सो मान लीजिए मैंने इस इमेज को यहाँ पर इस तरीके से कुछ सेट कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको स्केल का भी ऑप्शन मिलता है, स्केल के ऑप्शन में जो है आप इसको एकदम से चेंज कर सकते हो इस तरीके से। सो ये स्केलिंग हो जाएगी यहाँ पर इस चीज़ की, और आप ऊपर चाहो तो ऊपर कर सकते हो, नीचे चाहो तो यानी लंबा कर सकते हो स्केलिंग करने में, मतलब स्केलिंग करने के लिए। सो फ्री ऑप्शन में आप देख सकते हो यहाँ पर जैसा आपको इमेज को करना है टिल्ट वगैरह उस हिसाब से कीजिए आप। सो देखिए इस तरीके से आप कर सकते हो इमेज के साथ टिल्ट वगैरह वो सब, एंड उसके बाद आपको जो है यहाँ पे इमेज को ब्यूटीफाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सो ये देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से ऑप्शन मिल जाता है, ब्लैक करना हो तो ब्लैक कीजिए, एक्स्ट्रा पार्ट को वाइट करना हो तो वाइट कीजिए, स्मार्ट करना है तो स्मार्ट में रख दीजिए, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा वो वहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर टिक कर लेते हैं यहाँ पे जितना हुआ उतना। सो ये बफर हो रहा है यहाँ पे, सो एक सेकंड आपको मैं बता देता हूँ। सो अगेन मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा टिल्ट करके देखते हैं हम लोग। ओके सो ये टिल्ट हो गया हमारा यहाँ पे। इसका फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारे इमेजेस को जो है ऐड कर सकते हो। सो अभी मैं एक्सपांड नहीं करना चाहूँगा, उससे आपका इमेज थोड़ा हल्का सा एक्सपांड हो जाएगा। ये सिलेक्टिव ऑप्शन के लिए है, आपको जो है यहाँ पे प्लस पे टिक करना है तो उतना जो है आपको अगर कट करना हो कॉपी करना हो तो वो पार्ट आप वहाँ से कर सकते हो। सो यहाँ पे ब्रश का एक ऑप्शन अच्छा आता है जहाँ पे आप एक्सपोजर जो है कम ज़्यादा कर सकते हो, तो आप देख सकते हो -10 पे चला गया, अभी मैं इसको 10 पर लेकर आ रहा हूँ। सो आप सारे एक्सपोजर को जो है यहाँ से चेंज कर सकते हो। सो आपको जो चेंज करना है वो यहाँ पे अलग अलग सिलेक्ट करना है एट अ टाइम, और आप इस तरीके से उसको चेंज कर सकते हो। सो ये टूल्स में मैं लेकर जाता हूँ आपको अगेन, एंड आप देखिए यहाँ पर हीलिंग करना हो तो हीलिंग वगैरह कर सकते हो। सो इस तरीके से अगर आपको कुछ कट करना है पार्ट या देखिए इस तरीके से तो आप कर सकते हो यहाँ पे, एंड उसके बाद आपको क्या करना है टिक पे सिलेक्ट करना है। टूल्स पे जाने के बाद HDR स्केप का जो भी ऑप्शन है ये बहुत अच्छा ऑप्शन है एक्चुअली। सो यहाँ पे देखिए आप नेचर चेंज कर सकते हो इमेज का एकदम ही, एंड ब्राइटनेस वगैरह भी ऑप्शन दिया है आपको करना हो तो यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हो, कैसा भी आप बनाओ लेकिन लगेगा एकदम ही इंटरेस्टिंग, ये बात आप ध्यान में रखिए। एक तो पीपल का है यहाँ पे, ये पीपल्स को फोकस करेगा मतलब कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे फाइन स्ट्रक्चर के लिए भी आप जा सकते हो। सो इमेज बहुत ही बढ़िया दिखेगा यहाँ पर फाइन स्ट्रक्चर में भी, एंड स्ट्रॉन्ग पर आप लेकर जाओ तो यहाँ पर भी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इमेज। सो इफ़ेक्ट्स तो इतने सारे हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आपको अगर आप अच्छे से इन्वेंट करना चाहोगे इस ऐप को तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा भी लग जाएगा इसको अच्छे से समझने के लिए, आप फर्स्ट टाइम के लिए अगर यूज़ कर रहे हो तो। सो स्मूथ इमेज बना सकते हो आप इस तरीके का, या फिर आप एकदम शार्प बनाना है तो ऐसा बना सकते हो। सो यहाँ पर भी आपको ग्लो का ऑप्शन दिया है, वॉर्म का ऑप्शन दिया हुआ है कम ज़्यादा करने के लिए, तो ये देखिए उसके बाद टिक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। एंड टोनल कॉन्ट्रास्ट का एक ऑप्शन दिया है आपको हाई टोन कॉन्ट्रास्ट करने के लिए, यहाँ पे भी आप शेडोज़ वगैरह मीडियम टोन्स जैसा चाहिए वैसा आप जो है एडजस्ट कर सकते हो, लो टोन्स प्रोटेक्ट शेडोज़ आपके इमेज पे डिपेंड करेगा कि कैसा दिखेगा जो एक्चुअल इमेज है वो, प्रोटेक्ट हाइलाइट्स।
अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे एक ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ड्रामा कॉन्सेप्ट जो है, सॉरी, यहाँ पे डार्क कॉन्सेप्ट भी है अगर आप करना चाहो तो। ये एक था, एंड हम आगे बढ़ते हैं अभी और देखते हैं विंटेज में क्या क्या है। विंटेज में आपको खाली थोड़ा सा एम्बियंस चेंज हो जाएगा यहाँ पे इमेज के लिए। मल्टी इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। एंड आगे हम जाते हैं ग्रेनी फिल्म की तरफ, तो यहाँ पे भी इमेज जो है चेंज होता रहेगा, इफेक्ट आप देख सकते हो। तो उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, अभी रेट्रो लक्स है, ग्रेनी फिल्म है, ये थोड़ा बहुत आप खुद भी एक्सप्लोर कर लीजिए तो आपको आइडिया आ जाएगा ये एग्जैक्टली करना कैसा है। ये एक ब्लैक एंड वाइट का है, आपको अगर ब्लैक एंड वाइट ऐड करना हो तो इसमें कलर नहीं दिखेगा बाद में आपको। एक नॉयर का एक ये है, ये थोड़ा सा एकदम चूना टाइप बना देता है आपके पिक्चर को जो है। इसको आपको हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, इमेज को एकदम पुराना टाइप बताएगा वो। पोर्ट्रेट आप करना चाहो तो यहाँ पे नो फेसेस कुड बी फाउंड इन दिस फोटो, मतलब अगर मैं करूँगा तो फिर नहीं हो पाएगा, इसलिए फिर मैं कैंसिल कर देता हूँ फ़िल्टर, यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ अगेन यहाँ पे फ़िल्टर, नहीं तो वो वहाँ से डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। लेंसेस ब्लर, तो कौन से पार्ट को आपको जो है यहाँ पे ब्लर करना है आप कर सकते हो, उसके बाद आपको जो है टिक कर लेना है। विगनेट ऑप्शन में आपको पता ही है क्या होगा, ये विगनेट ऑप्शन है आउटर इनर दोनों साइड का। और क्या बाकी है यहाँ पे, टेक्स्ट आप डालना चाहो तो टेक्स्ट आप डाल सकते हो कोई भी टाइप में। डबल टैप करिए यहाँ पे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं लिख देता हूँ मेड इन इंडिया, ओके कर देता हूँ। और इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर देता हूँ, तो कितना अच्छा लग रहा है अभी ये इमेज। उसके अलावा भी आप उसका कलर चेंज कर सकते हो, सेटिंग पूरा अच्छे से देख सकते हो। अभी फ्रेम्स अगर आप चाहो तो फ्रेम्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। थोड़ा कूल लगेगा पिक्चर इससे आपका जो भी है, पोस्टर टाइप थोड़ा। आपके इमेज को इतना एनहांस कर देगा, इतना ब्यूटी कर देगा ये कि आपको आइडिया भी नहीं रहेगा, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपका पिक्चर जो है, इमेज जो है मॉडिफाई हो जाएगा यहाँ पर। एक और डबल एक्सपोजर हम डालेंगे इसके बाद में। यहाँ पे गैलरी में चलता हूँ एंड यहाँ पे थोड़ा देखता हूँ इमेज कौन से ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं कि कैसे वो अच्छा दिखेगा यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पे जो है ओपेसिटी एडजस्ट कर सकते हो कैसा दिखाना है आपको। और एक इमेज अगर ऐड करना हो तो आप कर सकते हो बाद में। फिर अगेन आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कैसा करना है, फ्रेम वगैरह है, ब्लैक एंड वाइट ऑब्जेक्ट है। तो स्टाइल में आपको मैं दिखा देता हूँ अगेन, स्टाइल कौन सा आपको पसंद आएगा वो। एक ये अच्छा है एंड एक ये बहुत ही अच्छा है सेंचुएट वाला। ये पोस्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी, ये ब्राइट थोड़ा ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा यहाँ पर। ये अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, आपका आइडिया आ गया होगा आपको। फिर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट कीजिए, शेयर करोगे तो डायरेक्टली वो जो है सेव हो जाएगा आपका यहाँ पे। एंड अभी ये ऑलरेडी सेव हो चुका है आपके गैलरी में, आप जाकर चेक कर सकते हो। देखिए कितना अच्छा एप्लीकेशन है ये, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप डायरेक्टली अगर आपको सेव नहीं करना हो तो। इसके सेटिंग्स में मैं आपको दिखा देता हूँ, खाली डार्क थीम अवेलेबल अगर आप करना चाहो तो। इमेज साइजिंग का ऑप्शन दिया है, आपको साइजिंग में रिसाइज करना हो तो आप पिक्सल वाइज जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। क्वालिटी आपको देखना है तो आप यहाँ पे 100% के लिए कर सकते हो, तो इस आपका इमेज का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी MB जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको फुल ट्यूटोरियल दिया कि आप कैसे बना सकते हो इसमें इमेज को, कैसे जो है एकदम अतरंगी और मॉडिफाई कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद आपकी क्यूरियोसिटी भी इंक्रीज़ हो गई होगी एंड आप भी इसको इंस्टॉल करोगे। प्लीज़ इंस्टॉल कीजिए एंड यूज़ कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।